find your way back home. Hey guys, it's Anjali. Welcome to my channel. आज मैं create कर रही हूँ अपनी video में एक easy सा makeup look जो कि आप आसानी से अपने कुछ products use करके create कर सकते हैं for the coming up festival season. I mean festivals तो already हैं इस month में and मैं सिर्फ इसको एक दिवाली makeup look नहीं कहना चाहूँगी because उसके बाद भी हमारे पास festivals होते हैं. India में we celebrate too many festivals. तो आप इस look को achieve करने के लिए इस video को end तक जरूर देखिएगा. तो मैं इसको सिर्फ एक दिवाली makeup look नहीं बोलूंगी. In fact ये इंडियन फेस्टिवल मेकअप लुक है जो आप किसी भी फेस्टिवल में आसानी से क्रिएट कर सकते हैं. सो टू चेक हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेस को कम्प्लीटली मॉइस्चराइज करना है अच्छे से नेक पोर्शन को कवर करते हुए. इसके बाद मैं अपने लिप्स मॉइस्चराइज कर रही हूँ निविया लिप बाम के हेल्प से एंड देन इसके बाद मैं ले रही हूँ प्राइमर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पोर्स कवर करने के लिए ताकि फाउंडेशन या कंसीलर आपकी स्किन के पोर्स के अंदर ना जाए. Next, I am taking this foundation by Maybelline Fit Me, which is in the shade Natural Beige. This is exactly my shade, guys. And first time मुझे को ऐसा foundation मिला है, which is completely something that matches my skin tone. And then I'm using this Nykaa Beauty Sponge to blend this foundation all over and covering my neck portion as well. Then मैं ले रही हूँ यहाँ पे makeup का sorry Maybelline का Age Rewind Concealer. जो भी आपके पिगमेंटेड एरियाज होते हैं लाइक योर डार्क सर्कल्स योर फ्रिज ऑफ द नोज जहाँ पे आपको हाईलाइट की जरूरत होती है या फिर जो पिगमेंटेड एरियाज होते हैं उस पर आप इजीली इसको अप्लाई करिए एंड देन ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करना है. मेक श्योर इसको आप लगाने के बाद एक मिनट तक छोड़ दें ताकि आपको एक अच्छा कवरेज मिले. सो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए आता है आपके कंसीलर एंड फाउंडेशन को अच्छे से सेट करना जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर. इसको मैं अपने नेक पोर्शन को कवर करते हुए अपना जो मेकअप जो मैंने बेस अपना अप्लाई किया है उसको मैं अच्छे से सेट कर लूंगी. सो यस आई एम डन विद माई कॉम्पैक्ट एंड देन आई एम यूजिंग दिस कोम्ब फ्रॉम वेगा टू कोम माई आईब्रोज. देन आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन का रॉक न्यूड्स पैलेट एंड इसे डार्क ब्राउन शेड यूज करके मैं एक सिंपल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी नेचुरल वे में एंड देन अगेन मैं इनको कोम कर लूंगी ताकि उनको एक फिनिश लुक मिल जाए. And then afterwards I'm taking this eyeshadow palette and as a transition shade मैं ये light brown color ले रही हूँ. With the help of color bar blending brush मैं ये apply कर लूँगी अपने पूरे eyelid पे and crease के ऊपर भी apply करना है. Next मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये black color का shade जिसको मैं प्रो आर्ट के ब्रश के हेल्प से धीरे धीरे अपने आउटर वी पे डिपॉजिट करूंगी एंड मेक श्योर जब भी आप कोई डार्क शेड लेते हैं तो उसको हमेशा अपने आपको क्रीज से नीचे ही आपको लगाना होता है. धीरे धीरे आपको इसको बिल्ड करना है एंड देन एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं सारी चीजें आपस में ब्लेंड कर लूंगी एंड देन उसके बाद मैंने सेम ब्राउन कलर जो है वो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस गाला ऑफ लंदन का मस्कारा टू कोट माई आई लैशेज टू गिव देम अ वॉल्यूमनाइजिंग लुक एंड इसके बाद जो मतलब नीचे जो लैश लाइन है वहाँ पे भी मैं इसको अप्लाई कर लूंगी. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस पैक की आई लैशेज विच इज नंबर 54. ये न्यू आई लैशेज हैं एंड ये ग्लू आपको आसानी से किसी भी नियरेस्ट मार्केट में मिल जाती है कॉस्मेटिक स्टोर से. आई लैशेज मैंने अच्छे से अप्लाई कर ली है इनको मैं अच्छे से प्रेस कर लूंगी एंड देन इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे 925 का आईलाइनर अपने आईलैश के बैंड को छुपाने के लिए एंड थोड़ा सा अच्छा सा पॉप अप लुक देने के लिए अपनी आईज को. देन आफ्टरवर्ड्स आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन का 3-in-1 पैलेट टू गिव अ लिटिल कॉन्टोर्ड लुक टू माई चीक्स बिकॉज फेस्टिवल सीजन में आई लव लिटिल बिट ऑफ कॉन्टोरिंग. आपके फेस को थोड़ी वार्म्थ मिलती है एंड या थोड़ी सी कॉन्टोरिंग तो चलती है समटाइम्स. देन आई एम टेकिंग दिस ब्लश शेड राइट ओवर हियर. ये थोड़ा डार्क शेड है लेकिन आपको इसको बहुत धीरे धीरे पिक करना है ताकि आपकी जो चीक्स है वो ओवर बिल्ड ना हो जाए. सो फेस्टिवल सीजन में आई डेफिनेटली लव टू अप्लाई ब्लश ऑन माई चीक्स एंड मैं इसके बाद यूज कर रही हूँ ये हाईलाइटर हाईलाइटिंग पैलेट एंड दिस इज सच अ नाइस पैलेट. आई एम यूजिंग दिस शेड राइट ओवर हियर एज अ हाईलाइटर एंड देन आई विल हाईलाइट माई चीक बोन्स My bridge of the nose and जो भी areas आपको highlight करने अच्छे लगते हैं इसे थोड़ा glowy सा look आता है and थोड़ा सा मैंने cheeks तक अपने highlight किया है ताकि जब आप smile करो तो एक highlighted सा look आए and I have highlighted my forehead, the bridge of my nose or the tip of the nose and yes my chin
एंड देन इसके बाद मैं हाईलाइट कर लूंगी अपने क्यूपिड्स बो एंड आई टोटली लव टू हाईलाइट माय क्यूपिड्स बो एंड देन माय ब्राउ बोन्स एंड इसके बाद मैंने फैन ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउ बोन्स हाईलाइट किए हैं एंड देन आफ्टर दिस आई विल हाईलाइट द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज सो दैट मेरी आईज को एक अच्छा सा ग्लोई लाइक पॉप्ड अप सा लुक लगे दिखे एंड देन इसके बाद मैं ले रही हूँ पैक का ये लिप कलर which is in the shade so spicy and मैं जो भी लिंक्स होते हैं प्रोडक्ट के सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंशन करूँगी प्लीज़ आप वहाँ से चेक करके चाहें तो परचेज कर सकते हैं देन यूजिंग दिस फिक्सर टू सेट माई मेकअप इंटायरली ये बहुत ज़रूरी स्टेप है लास्ट में सो यस दिस कम्प्लीट्स माई इंटायर मेकअप लुक गाइस आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड यस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट्स इट विद टुडेज़ वीडियो आई विल बैक विद अ न्यू वीडियो सून टिल देन बाय बाय